आज से वहाँ भजन कीर्तन जागरण शुरू हो जाएगा और 16 तारीख तक चलेगा। 16 तारीख को वहाँ भंडारा होगा। हम चल दिए कंडोलिया मंदिर की साइड और इतनी तेज धूप हो रही है ना कि बता नहीं सकते, क्योंकि दिन के 12 बजे का टाइम है और मंदिर जाने का मजा पैदल ही होता है। हाँ, तो ये है जी मंदिर जाने वाला रास्ता और काफी लोग आ रहे हैं और काफी अच्छी डेकोरेशन की गई है। देखो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई गई है। और ये भीड़ देखो आप मंदिर में, सब लोग यहाँ बैठ के प्रसाद खा रहे हैं और ये देखो ऊपर से लेके आके सब यहाँ बैठ के खा रहे हैं। बट ये चीज यहाँ पे गंदी लगती है मुझे, क्या क्या डंपी की कोई व्यवस्था नहीं है, सब कूड़ा इधर उधर पड़ा है। प्रसाद में छोले पूरी हलवा जो कि अब सब मिक्स हो चुका है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया हैं। तो वेलकम है आपका हमारे आज के न्यू व्लॉग में। और आज का न्यू व्लॉग शुरू हो रहा है जैसे कि मैं आ रखी हूँ अपने होम टाउन पौड़ी गढ़वाल। और आज है एक स्पेशल दिन क्योंकि आज होने जा रहा है कंडोलिया मंदिर में भंडारा, जो कि यहाँ के न्याय के देवता भी कहे जाते हैं और बहुत उनको माना जाता है। काफ़ी दूर दूर से लोग कंडोलिया मंदिर के भंडारे में आते हैं जो कि साल भर में एक बार होता है। और 3 दिन ये भंडारा चलता है। भंडारा तो 1 दिन मेन होता है लेकिन 3 दिन की ये पूजा होती है। पहले दिन जो कि झंडा है जिसे निशान कहा जाता है वो आता है पौड़ी गाँव से, उस दिन रात को भजन कीर्तन होता है, नेक्स्ट डे जागरण होता है और 3rd डे दिन के टाइम पे भंडारा किया जाता है। तो बहुत सारे लोग आने वाले हैं, बहुत सारे लोग हमें मिलने वाले हैं। मम्मी हो गई तैयार, हेलो मम्मी, और रुचि भी हो गई है तैयार। और आज हम तीनों ने लिया है साड़ी वाला लुक। तो अभी चलते हैं भंडारे में और देखते हैं कौन कौन मिलता है, क्या क्या है वहाँ। क्यों चले, चले। और बस इतना ही बता सकती हूँ कि बहुत माना हुआ मंदिर है, लोग मन्नत मांग के वहाँ घंटियाँ चढ़ाते हैं। और पहले दिन जो होता है ना, पहले दिन यहाँ से जो झंडा जाता है उसकी वीडियो मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये पहले दिन की वीडियो है जो यहाँ से झंडा लेके जाते हैं मंदिर में, जिसे कहते हैं निशान, जो कि पौड़ी गाँव से जाता है। तो जी कंडोलिया मंदिर में होने वाले जो भंडारा है 3 दिवसीय 14, 15 और 16 को, तो उसके लिए आज जा रहा है निशान। ये रहा निशान जो कि पौड़ी गाँव से आता है और आज से वहाँ की होने वाली है शुरुआत। ये देखिए, ये निशान जाता है, ये मंदिर पे जाएगा और ये जाता है नीचे पौड़ी गांव से। ये देखिए, जय करो जय करो जय करो बच्चों। ये देखिए, आज से वहाँ भजन कीर्तन जागरण शुरू हो जाएगा और 16 तारीख तक चलेगा। 16 तारीख को वहाँ भंडारा होगा जहाँ की सब आते हैं। बहुत बड़ा अच्छा मेला सा लगता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है हर मंदिर के पीछे की एक कहानी होती है, तो इस मंदिर के पीछे की ये स्टोरी मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी। काफ़ी साल पहले की बात है, कुमाऊँ की एक लड़की की शादी यहाँ के पौड़ी गांव में किसी परिवार में हुई और वो अपने मायके से कंडी में यानी कि टोकरी में अपने ईष्ट देव को भी साथ लाई। तब से हर साल पौड़ी गाँव में कंडोलिया ठाकुर की पूजा की जाती थी। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने किसी व्यक्ति के सपने में आकर अपने आप को किसी ऊँचे स्थान पर स्थापित करने की मांग की और उन्हें यहाँ पौड़ी के ऊपरी हिस्से में स्थापित किया गया। तब से ये जगह कंडोलिया और ये मंदिर कंडोलिया ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध है और हर साल इसी तरह से यहाँ पूजा अर्चना भंडारा और कीर्तन किया जाता है। चलो और हमें ज्वाइन करने वाले मिक्की दीदी लोग, तो मिक्की दीदी लोग अभी उनको आने में टाइम है तो हम पहले पहुंचते हैं, वहां हमें मिल जाएंगे। तो जी हम चल दिए कंडोलिया मंदिर की साइड
और इतनी तेज धूप हो रही है ना कि बता नहीं सकते, क्योंकि दिन के 12 बजे का टाइम है और मंदिर जाने का मजा पैदल ही होता है। हाँ, और सही में थकान भी लग रही है। मम्मी ये रही आगे चलती है, बच्चे आगे चल रहे हैं साथ में। मीठी थकान है यहाँ की, तभी तो अभी हमें कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि हम कौन है। तो जी हम पहुँच चुके हैं कंडोलिया और आप भीड़ देख ही सकते हो। ये देखो अभी यहाँ से सीधे हमें अंदर को जाना है। अब पता नहीं लाइन कहाँ से शुरू होगी। फिलहाल हम कर रहे हैं रुचि का वेट, रुचि नीचे रुक गई है। तो ये है जी मंदिर जाने वाला रास्ता और काफ़ी लोग आ रहे हैं और काफ़ी अच्छी डेकोरेशन की गई है। ये देखो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई गई है। और ये भीड़ देखो आप मंदिर में। ये देखो हमारे गढ़वाल को दर्शाते हुए, ये देखो मंदिर की भीड़ और बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है और शाम तक ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि पौड़ी के लोग तो आते ही हैं यहाँ से, काफ़ी दूर दूर से भी लोग आते हैं हम जैसे जैसे दिल्ली देहरादून से, क्योंकि साल में एक बार होने वाला ये भंडारा है और बहुत फेमस है। माय गॉड, मंदिर तो अभी काफ़ी आगे है और लाइन यहाँ से शुरू है, देखो इतनी भीड़ है। चलो भाई हम भी लाइन पे लगते हैं और देखो बहुत आगे तक लाइन है। हेलो, थैंक यू। तो ये है लंबी लाइन आगे मंदिर तक जाती है और बहुत ही लंबी है देखो, और हमें भी पीछे खड़े होना पड़ेगा लाइन पे। हम खड़े जलेबी की दुकान पे, यहाँ पे लाइन लगी हुई है पर हम ये जलेबी बिल्कुल नहीं खाएंगे, दूर से भरी हुई, और लोग शॉर्टकट भी मार रहे हैं वहाँ से, बट आगे जाके वो रोक ही लेंगे क्योंकि नियम से चलो। ये देखो लाइन देखो, ओ आ जा। तो 15 मिनट हो गए हमें लाइन में खड़े खड़े और अब जाके हम गेट के पास पहुंचने वाले हैं। आगे है गेट और बहुत लंबी लाइन है और लोग काफ़ी लोग ना बीच में घुस जा रहे हैं लाइन तोड़ के, इसलिए हमारी लाइन धीरे धीरे बढ़ रही है, जल्दी नहीं बढ़ रही। धीरे धीरे हम भी बढ़ते हैं और पीछे देखो कितनी लंबी लाइन है। बच्चे लाइन में खड़े खड़े परेशान हो गए और फाइनली अब हम पहुंच गए गेट के आगे। ये रहा गेट और उसके आगे आगे भी बहुत लंबी लाइन है और पीछे भी बहुत लंबी लाइन है देखो। तो जी फाइनली हमने प्रवेश ले लिया है मंदिर द्वार के अंदर और अंदर भी देखो इतनी भीड़ है, एक घंटा में बाहर खड़े खड़े हो गए। तो सही है अब शेड में घुस गए हैं, तो छाया छाया में चलेंगे और आगे भीड़ देखो। देखो थकने वालों के लिए ये है, काई का जूस है ये, ऑरेंज का जूस। तो जी अब हम पहुंचने वाले मंदिर के बिल्कुल पास। जूते चप्पल हमने यहाँ उतार दिए क्योंकि खाना लेके जब हम आएंगे ना, प्रसाद लेके उधर से आएंगे, तो भीड़ अभी चली रही है। मैं जाती हूँ अपने साथियों के पास। पहुंच गए हम फाइनली मंदिर के अंदर और ये लाइन बनी हुई है, हमें भी मंदिर के दर्शन करते हुए उधर से निकलना है प्रसाद लेते हुए। भेंट चढ़ाएंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे, बहुत भीड़ हो रही है, रुकने नहीं दे रहे। तो मंदिर के पीछे से हमें जाना है नीचे को, यहाँ से है प्रसाद की लाइन, यहाँ से सब ले रहे हैं प्रसाद।
जी ये ले लिया हमने प्रसाद और हम बढ़े आगे, नीचे बैठ के खाएंगे खाना, सब वहीं बैठ के खा रहे हैं, अभी यहाँ से नीचे जाना है। देखो और मम्मी ये देखो दो दो प्लेटें पकड़ के, क्योंकि मम्मी ने अभियान की भी पकड़ी हुई है। तो चलते हैं अपना प्रसाद लेके आराम से बैठ के खाते हैं। तो जी हम प्रसाद लेके आ गए और ये रही नैनी नानू, ये दोनों ऊपर नहीं आए, इनके लिए हमें लाना पड़ा। और यहाँ पे हम प्रसाद खाएंगे और देखो कितनी भीड़ है, सब लोग यहाँ बैठ के प्रसाद खा रहे हैं। और ये देखो ऊपर से लेके आके सब यहाँ बैठ के खा रहे हैं। बट ये चीज़ यहाँ पे गंदी लगती है मुझे, क्या है डंपी की कोई व्यवस्था नहीं है, सब कूड़ा इधर उधर पड़ा है, तो वो चीज़ का थोड़ा ड्रॉबैक है, बाकी सब अच्छा है। चलो जी प्रसाद खाएं। प्रसाद में है छोले पूरी हलवा जो कि अब सब मिक्स हो चुका है। चलो तो हम भी खाते हैं, दीदी को भी दो शेयर करो, ये ला तो मान ले भी लाया है ना। तो जी यहाँ पे सारी फैमिली इकट्ठा हो गई है, ये है सोमी की मौसी जी, बाकी सोमी की सिस्टर्स हैं, ये सब हेलो कर दो इधर। बाकी हमारा प्रसाद हो गया है और लाइन अभी भी बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। देखो मतलब अभी भी लोग आ ही रहे हैं, तो हम लोग तो चले भाई प्रसाद प्रसाद खाके। और ये देखो भीड़ कितनी है मंदिर में, लोग आराम से चिल मार रहे हैं। भंडारे में यही होता है कि पुराने पुराने लोग मिल जाते हैं, पुराने दोस्तों से यारों से जो काफ़ी टाइम से नहीं मिले स्कूल टाइम के, उनसे मिलना हो जाता है। हमारा तो जाने का टाइम हो गया और अभी भी भीड़ देखो कितनी, यहाँ देखो सब लोग अभी प्रसाद ले ही रहे हैं और ये शाम तक चलेगा भी। तो हम तो चलते हैं घर को और मिलते हैं आपसे घर में। तो ये है मंदिर के बाहर का सीन, मेला सा लगता है, तो बाहर चाउमीन मोमो भी मिल रहे हैं, बट लोग तो प्रसाद खाने आए हैं। ये देखो चाउमीन भी बन रहे हैं और अभी भी भीड़ बहुत ज़्यादा। हम चलते हैं घर को। और हम लोग आ गए हैं भंडारे से वापस, काफ़ी देर बैठे रहे यहाँ पे, दीदी लोग, दीदी भी आई थी और रियो चला गया अपनी बुआ के घर, क्योंकि रियो को अपनी बुआ का घर ही पसंद आ रहा है ना मम्मी, क्योंकि वहाँ उसको ना बड़ी खातिरदारी हो रही है, तो उसको बुआ का घर पसंद आ रहा है। और हम पी रहे हैं चाय वाय और अभी देखो लोग यहाँ से जा ही रहे हैं, अभी भी जाने वाले हैं। मम्मी प्रसाद कितनी देर तक बनता होगा प्रसाद? शाम तक, रात तक, अंधेरे तक? अंधेरे तक नहीं, वहाँ पर शाम तक बनता ही रहता है। तो मतलब अभी भी जाने वालों की भीड़ है, जब तक हम आए ना तब तक लाइनें ख़त्म हो गई थी, हम बहुत देर लाइन में खड़े लग के तब हमने प्रसाद लिया है। क्या किया? तपस्या, मंदिर में जाके हमने असली वो प्रसाद ग्रहण किया, मेहनत करके प्रसाद लिया, लाइन पे लग, चीटिंग नहीं की कोई, थोड़ी देर प्यास से, भूख से, गर्मी से, हाँ, महसूस किए, तो लगा कि हाँ यार हम लाइन में खड़े हैं रहे, तो फल मीठा मिला, इस प्रसाद को पाने के लिए हमने मेहनत की। तो चलो अब हम चाय वाय पीते हैं, शाम का टाइम है, चाय इंजॉय करते हैं। तो जी अब चल रहे हैं यहाँ पर टाइम पास अभियान और रुचि का, क्योंकि रियो तो चला गया बुआ के घर, तो अभियान को मिली है रुचि बैडमिंटन खेलने के लिए, और अभियान ने प्रैक्टिस कर करके बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलने लगा है। क्यों अभियान? क्योंकि मुझे आता है। और यहाँ धूप से जल जल के हमारी स्किन हो गई है ऐसी, और अभी भी लोग ना ऊपर से नीचे आ रहे जा रहे हैं। तो चलो ये था कंडोलिया मंदिर का भंडारा, इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।